हेलो गाइस, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो गाइस, आज हम खेलने वाले हैं यार GTA 5 के यहाँ पे एक पार्कोर रेस। और ये पार्कोर रेस सच्ची में बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाली है। तो देखते हैं यार कि तुम्हारा भाई यहाँ पे जो है इस रेस को कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं, और यहाँ पे कितना ज़्यादा टाइम लगने वाला है। फटाफट से कंटिन्यू करते हैं। और बाकी ये GTA ऑनलाइन है, तो यहाँ पे अभी साथ में खेलने के लिए बंदे तो है नहीं, तो अकेले ही मेरे को खेलनी पड़ेगी। और यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा अपन को छोटी कार दे दी है। अब देखते हैं यार कि इससे मतलब हो सकता है मे भी आगे चल के। अबे भाई सामने फिनिश लाइन है। हेलो, तो गाइस यहाँ पे लेट्स गो हो चुका है। ओके, तो वो फिनिश लाइन नहीं थी, वो अपना एक चेक पॉइंट था। और अभी इधर से इधर को जाना है। और भाई ये सच्ची में इतनी ज़्यादा छोटी गाड़ी है ना, मेरे को सच्ची में नहीं पता ये बंदा इस पर बैठा कैसे है। और यहाँ पर शुरुआत बहुत ही ज़्यादा अपनी ख़राब हुई है फिलहाल। तो अभी देखते हैं, अभी जो अपनी पार्कोर है ना बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है। लेट्स सी कि मैं इसको पूरा पार कर पाऊँगा या नहीं, और देखना होगा कितनी देर में यहाँ पे पार होने वाली है। और इस बार काफ़ी परफेक्ट जंप मारा है मैंने। लेट्स को यहाँ पे अपना अगला चेक पॉइंट हमें मिल चुका है। और क्या ये पूरी रेस मेरे को इसी गाड़ी से करनी पड़ेगी हैं भाई? अगर इससे करनी हुई ना तो गाड़ी सच्ची में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। और यहाँ पर क्या ही बोलूँ यार, तो लेट्स गो गाइस, एक बार दोबारा से ट्राई करते हैं। और यार ये गाड़ी इतनी ज़्यादा छोटी है, उसके टायर देखो भाई इतने ज़्यादा छोटे छोटे हैं ना कि यार ये सही से चल भी नहीं पा रही है। और ऊपर से भाई इतना सांड जैसा इंसान बैठा है, तो और भी ज़्यादा नहीं चल पा रही है। ओके, तो सामने रिंग है और इसमें आग जल रही है, पर उससे हमें कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर भाई ये स्लो क्यों कर दिया इसने? और अभी कहाँ जाना है, ऊपर की तरफ जाना है क्या? ओ भाई साहब, वॉल लाइट करनी है, वो भी इतनी छोटी गाड़ी से। लेट्स सी के हो पाता है नहीं। और ऊपर की तरफ जाना है, और ये तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक था, मतलब इतना तो मैंने ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करा। ओके, तो एकदम सेफ लैंडिंग हुई है अपनी। मेरे को लगा था कि नीचे गिरा हूँ, मतलब मैं रॉन्ग साइड आ गया हूँ, पर नहीं, हम लोग एकदम राइट साइड आए हैं गाइस। और भाई मरना नहीं, मरना नहीं। और यार ये गाड़ी का भाई इंजन देख रहे हो भाई, इससे ज़्यादा तो ना तगड़ा स्कूटर का इंजन होता है भाई, अपना जो चेतक स्कूटर आता है ना उसका इंजन इससे ज़्यादा पावरफुल होता होगा मे बी। और ये वाली गाड़ी भाई किस में चलती है यार, ये रेसेस वगैरह में चलती है क्या? आप लोग मेरे को कमेंट में बताना कि ये जो छोटी सी गाड़ी है ये किस में मतलब यूज़ होती है। और मेरे को लग रहा है कि ये जो पूरी रेस है ना, हमें इसी कार से यहाँ से कम्प्लीट करनी पड़ेगी शायद से, क्योंकि अभी तक अपनी कोई भी कार वगैरह जो है ना चेंज नहीं हुई है। लेट्स गो, देखते हैं क्या पता इसी से पूरी रेस करनी। और सही हुआ गाइस, मैंने यहाँ पर ब्रेक मार लिया, वरना अदरवाइज मैं नीचे करने वाला था। और लेट्स गो, अगला चेक पॉइंट हमें मिल चुका है, अब किधर जाना है? और मैं यहाँ पर रॉन्ग साइड आ चुका हूँ, और शायद से मेरे को अंदर जाने के लिए अभी रीस्पॉन करना पड़ेगा, क्योंकि वही एक सबसे बढ़िया ऑप्शन है। और एकदम स्ट्रेट यहाँ पर गिरना है, और अगला चेक पॉइंट लेना है हमें यहाँ से। लेट्स गो, फटाफट भाई पूरी रेस कंप्लीट करनी है, और वो भी बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में। और अब किधर जाना भाई? सब्जी मंडी की दुकान पता नहीं किसने लगा रखी है यहाँ पे, मेरे को नहीं पता किस बंदे की थी, वहाँ पे कोई बंदा तो नज़र नहीं आ रहा था फिलहाल। हाँ ये पता है कि वहाँ पे सब्जी भाई बिक रही थी। और भाई साहब गाइस, सच्ची में यार इस छोटी गाड़ी से रेस कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। और बाय द वे गाइस, आप लोग अगर चाहते हो मेरे साथ ऑनलाइन रेसेस खेलना, तो मैं भाई अपनी जो आईडी है वो ऊपर कहीं ना कहीं पे शो कर दूंगा, और बाकी मैं कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगा। और पिन करने से पहले गाड़ी तो मैं कंट्रोल कर लूं फिलहाल। तो एक बार दोबारा से हम रीस्पॉन हो चुके हैं, और सच्ची में यार ये छोटी गाड़ी से पूरी रेस कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। काश यार ये हमें कोई दूसरी गाड़ी दे दे, इस बार मैं पक्का करने वाला हूँ। और लेट्स गो, यहाँ पर कर भी दिया है मैंने, क्या पूरा परफेक्ट जंप मारेगी क्या मारेगी? और ओ भाई साहब, मेरी तो जान ही अलर्ट में अटक गई थी, मेरे को लगा था नीचे गिरने वाला हूँ, पर नहीं। तो मारा भाई भी यहाँ पे खतरों का खिलाड़ी है। और अभी मेरे को वहाँ जाना है, और वहाँ जाने के लिए भाई चल क्यों नहीं रही है? हेलो यार, इसके टायर इतने ज़्यादा छोटे हैं ना, और क्या मेरे को इससे जाना है? ओके, तो यहाँ पर मेरे को लगा था कि दिक्कत देगा, पर नहीं। इसके ऊपर कोई इनविजिबल सी चीज़ है जिसके ऊपर अपनी गाड़ी मस्त से चल रही है, मतलब ये चीज़ देख के मेरे को भाई फट सी गई थी कि भाई इस पर गाड़ी कैसे चलेगी, पर नहीं, ये तो काफ़ी ज़्यादा इजी है जैसा मैंने सोचा था। और यहाँ पे तो पक्का चढ़ानी पड़ेगी। ओके, तो इधर भी हो गया है, और अगला चेक पॉइंट बस कुछ ही दूर बचा है। मेरे को कोई भी गड़बड़ नहीं कर रही है, अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो अपनी गाड़ी यहाँ पे फुल भाई नीचे गिरने वाली है, और फिर मेरे को दोबारा से उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। और यही सही मौका है, निकल लो यहाँ से, क्योंकि वो जो चीज़ घूम रही थी ना भाई, वो इतना कर्रा फटका मारेगी ना कि सच क्या ही बताऊँ भाई, सीधा पानी में गिरते हैं। और यहाँ से सीधा राइट, ओ भाई अभी नीचे करने वाली थी गाइस, लिटरली मैंने सही टाइम पे वहाँ पे ब्रेक मार लिया। और हाँ गाइस, आप लोग मेरे को कमेंट में बताना कि क्या आपको और भी अपनी पार्कोर रेसेस वगैरह देखना पसंद है या नहीं है, क्योंकि अब से मैं सोच रहा हूँ कि GTA ऑनलाइन की पार्कोर रेसेस खेली जाए,
और यहाँ पे स्लो होने वाली है भाई। स्लो क्यों करा, मेरे को आगे बहुत लंबा जंप लेना है, नहीं लंबा नहीं था। और ब्रेक 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 भाई, अभी ब्रेक नहीं मारता तो नीचे गिरने वाला था। और ये तो अच्छा, इस गाड़ी के हिसाब से रोड देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा सही है, और कोई सी गाड़ी होती तो पक्का नीचे गिरने वाला था मैं। और यहाँ पे जंप लेना है, और जंप जो कि इतना ज़्यादा परफेक्ट होना चाहिए कि सामने एकदम से परफेक्ट लैंडिंग होनी चाहिए। और यार काफ़ी पीछे से मेरे को स्टार्ट करना पड़ रहा है दोबारा से, और इस बार मैं कोई भी गड़बड़ निकल वाला हूँ बिल्कुल एकदम सही से लेके जाऊँगा, क्योंकि तुम्हारा भाई यहाँ पर प्रो बन चुका है। मतलब अभी प्रो बना नहीं हूँ, बन जाऊँगा थोड़े बहुत दिनों में। और मैंने बोला था गाइस प्रो बना नहीं हूँ, बनने वाला हूँ, ठीक है। ऐसा मैंने कब बोला कि भाई मैं प्रो बन चुका हूँ, बन जाऊँगा यार धीरे धीरे, अब खेलूँगा ना तब बन जाऊँगा। हालांकि मैंने रेसेस खेली है पर उतनी ज़्यादा यहाँ पे नहीं खेली, और मेरे को लगा था भाई आग लग गई, पर ऐसा नहीं है, वो आग सिर्फ दिखावे की है। और इस बार मेरे को एकदम सही से लैंडिंग करनी पड़ेगी, और इस बार और भाई भाई यार क्या बताऊँ गाइस, ये पार्कोर रेस ना भाई कहीं कहीं पे भाई इतनी ज़्यादा दिक्कत देती है कि उसको पार करने में भाई ऐसी तैसी हो जाती है। और वही कुछ सीन हमें यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है। इस बार मैं पूरा अच्छे से भाई जंप करने वाला हूँ, लेट्स गो। और एकदम परफेक्ट लैंडिंग हुई है, और भाई सब ब्रेक मारने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके तो सामने चेक पॉइंट है गाइस, कोई भी गड़बड़ नहीं करनी, और गड़बड़ होगी भी नहीं क्योंकि इस गाड़ी के हिसाब से जो रोड इन्हें बना के दिया है ना वो इतना ज़्यादा चौड़ा है कि इसमें भाई ऐसी दो गाड़ी एक साथ निकल सकती हैं। और यहाँ पर चेक पॉइंट हमें मिल चुका है, और भाई ये क्या है यार, ओ गाइस ये वो है ना, वो स्पेस से जो आता है, क्या बोलते हैं एलियन का जो वो होता है, क्या बोलते हैं यार उसको, स्पेसशिप, हाँ स्पेसशिप ही तो बोलते हैं एलियन का शायद से, मैं पक्का श्योर नहीं, आप लोग कमेंट में बताना। और फिर से दोबारा से परफेक्ट जंप मारनी है हमें, लेट्स गो गाइस। और भाई साहब मेरे को, मैं बोलने वाला था कि तुम्हारा भाई अभी प्रो बन चुका है, पर तुम्हारा भाई अभी भी नूब है। और जो वो वाला चेक पॉइंट मिला था हमें भाई, वो क्या सिर्फ दिखावे, ओ गाइस अपना कट गया, बहुत तगड़ा कटा है यहाँ पे, क्योंकि आप लोग देख सकते हो अभी हमें दोबारा से पूरी जो वो है ना रेस है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी वहाँ तक। और मतलब इतना दूर चेक पॉइंट दिया है और बिना कोई गड़बड़ करे हमें वहाँ तक जाना है, मतलब लिटरली ये मजाक चल रहा है क्या। तो ये वाला चेक पॉइंट इन्होंने क्यों बना रखा है भाई, जब इस पर रिस्पॉन ही नहीं करा रहे हैं, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये GTA का लॉजिक है। और जिसने भी ये मतलब जो रेस बनाई है ना पार्कोर रेस, वो बहुत ही ज़्यादा भाई खुरापाती दिमाग का बंदा हुआ, क्योंकि भाई उसने चेक पॉइंट दिया है और वहाँ पे हम रिस्पॉन नहीं हो रहे हैं, हम रिस्पॉन, और इस बार मैं पूरी परफेक्ट जंप मारने वाला हूँ, लेट्स गो। और भाई साहब तुम्हारा भाई देख रहे हो गाइस अभी प्रो बन चुका हूँ मैं, धीरे धीरे प्रो बन रहा हूँ, ठीक है इतनी जल्दी नहीं। और मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है ये वाला चेक पॉइंट भी फेक होने वाला है, और अभी भी मेरे को यार ये जंप वाला भाई बहुत दिक्कत देने वाला है गाइस, सच्ची बता रहा हूँ। और ये परफेक्ट हो गया ना तो काम बन जाना है अपना, लेट्स गो, कोशिश तो यही रहने वाली है। और यहाँ पे पूरा एकदम परफेक्ट जंप हुई है अपनी, और गाइस यहाँ पे फाइनली भाई इतना ज़्यादा कोई मुश्किल भी नहीं था, मेरे को लगा था बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, पर नहीं यार तुम्हारे भाई के लिए मतलब छोटे मोटे चैलेंज ना ऐसे ही, मतलब ऐसे ही भाई आँख बंद करके कर देता हूँ मैं, देख रहे हो गाड़ी पर कंट्रोल, देख रहे हो भाई अभी नीचे गिरने वाली थी लिटरली, पर तुम्हारे भाई ने यहाँ पर कंट्रोल कर लिया। और ये वाला चेक पॉइंट मेरे को पक्का ऐसा लग रहा है कि ये फेक चेक पॉइंट है, पर फिर भी देखेंगे। वैसे तो मैं कोशिश करने वाला हूँ कि मैं गिरूँ ना कहीं पे भी, बिना गिरे जो पूरी रेस है ना वो कंप्लीट हो जाए, पर ऐसा नहीं है, हमने ऑलरेडी यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ रखा है गिर गिर के, क्योंकि कई बारी मैं यहाँ पे पानी के अंदर गिर चुका हूँ, लेट्स गो। और भाई साहब ब्रेक मारने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और भाई नीचे नहीं गिरना। और यार गाइस ये वाली रेस जब मैंने स्टार्ट करी थी ना, तब मेरे को लगा था कि मतलब हाँ हो सकता है ये गाड़ी अभी स्टार्टिंग में थी वो बाद में चेंज हो जाएगी, पर अब मेरे को समझ में आ रहा है कि इसी कार से हमें भाई पूरी की पूरी रेस फिनिश करनी है और इस पे चढ़ना है। और भाई साहब ओ यार गाइस भाई मेरे को सच्ची में कुछ समझ भी नहीं आता कि अपनी गाड़ी चल किधर रही है, एक बार दोबारा से, और इस बार तो मैं पक्का अच्छे से करने वाला हूँ, मैं स्टेयरिंग मोड़ूंगा ही नहीं, नहीं मोड़ना तो पड़ेगा यार, नहीं मोड़ूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, और ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड है। ओके तो चेक पॉइंट तो वैसे हमें मिल चुका है, और भाई साहब रुक जा, हेलो हेलो भाई गाड़ी यार ये गाड़ी देख के गाइस मेरे को सच्ची में इतनी ज़्यादा हंसी आ रही है ना क्या बताऊँ। और अभी हमें दोबारा से वॉल लाइट करनी है, लेट्स गो। और वो वाला चेक पॉइंट फेक है पक्का बता रहा हूँ गाइस मैं, क्योंकि वहाँ पे रिस्पॉन हम हो ही नहीं सकते हैं। और जाना किधर था भाई, अभी देखना पड़ेगा कि हम कहाँ पर रिस्पॉन होने वाले हैं। और मैंने बोला था यार ओके तो वहाँ से हमें सीधा टर्न लेना है, और उसके बाद उस पर, ओ गाइस भाई ये बहुत मुश्किल देने वाला है, फिर भी ट्राई करने वाला हूँ कि मैं हो जाए एक बार में ही। और जिस हिसाब से भाई
मतलब आसार तो ऐसे ही लग रहे हैं कि भाई बहुत देर लगने वाली है यहाँ पे। फिलहाल तो ट्राई करते हैं कि अब तो हो जाए, लेट्स गो। और ये भाई अपना हो चुका है, और इस बार कोई भी गड़बड़ नहीं कर रही है, कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है। और यार गाड़ी इतनी ज़्यादा खतरनाक है ना, क्या बताऊँ भाई। इसके इतने छोटे छोटे टायर हैं कि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और ख़ासकर ज़्यादा स्पीड में होती है ना तब तो भाई कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। इस बार कोई भी गड़बड़ नहीं करूँगा मैं, कोई भी गड़बड़ नहीं चाहिए मेरे को। और ये सच्ची में बहुत ज़्यादा मुश्किल है यार गाइस, मतलब लिटरली भाई ये चल क्या रहा है। एक बार मैं थोड़ा सा ना अच्छे से देख लूँ कि मेरे को जाना कहाँ है। ओके, अगर मैं सीधा जंप मार दूँ तो एक बार मैं सीधा जंप मार के देखने वाला हूँ, क्योंकि यार वो एकदम से टर्न करना और वहाँ पे गाड़ी डिसबैलेंस तो हो ही जाएगी, ठीक है। ये तो मतलब था ही नहीं गाइस, ये वाला नहीं माना जाएगा, क्योंकि इस बार गाड़ी ने भाई परफेक्ट लैंडिंग करी नहीं वहाँ पे। लेट्स गो, और इस बार देखते हैं, इस बार मैं क्या करने वाला हूँ, सीधा लेके जाने वाला हूँ। और भाई इतना भी सीधा नहीं कि पानी में ही चली जाए, मतलब सीधा लेके जाना है, इतना भी सीधा नहीं ले जाना है कि भाई पानी में ही सीधा लैंडिंग हो जाए अपनी। एक बार दोबारा से ट्राई करते हैं, और इस बार तो पक्का तो मैं करने वाला हूँ, इस बार पक्का कर लूँगा। लेट्स गो। और यार ये गाड़ी ना भाई इतनी ज़्यादा नीचे भाग रही है, क्या बताऊँ। और ओके, और भाई साहब चेक पॉइंट मिल जा। अच्छा ये तो भाई घटिया सा चेक पॉइंट है, इसको लेके भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। यार मेरे को समझ भी नहीं आ रहा कि जाना किधर है यार। भाई साहब ये चल क्या रहा है यार, एक तो मेरे को वैसे समझ भी नहीं आ रहा है कि जाना किधर है, और ऊपर से क्या ही बताओ गाइस। देखते हैं यहाँ पर कितनी देर लगने वाली है, और भाई हो जाए यार। यार एक तो गाड़ी इतनी ज़्यादा क्या बताओ घटिया दी है ना भाई, कि क्या ही बोलूँ यार इसके। एक तो टायर मतलब ये वॉल लाइट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बनी है, लिटरली ये वाली गाड़ी मतलब प्लेन रोड पे चलाने के लिए हाँ एक बार को मान सकता हूँ कि ठीक है, पर वॉल लाइडिंग के लिए तो भाई बिल्कुल भी नहीं बनी है गाइस ये वाली कार। इस बार भाई मैं अच्छे से करने वाला हूँ इस बार। यार यहाँ पे गाइस कंट्रोल होगी नहीं यार, सच्ची बताऊँ तो। और मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है मेरे, ऐसे को मतलब ऐसे मेरे को अंदर से फीलिंग आ रही है। और ये गाड़ी देख रहे हो अपने आप ही नीचे जाया जा रही है, जाया जा रही है। भाई मैं इतनी ज़्यादा इसको मोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बावजूद जो अपनी गाड़ी है ना बार बार नीचे गिरी पड़ी है, गिरे पड़ी है। और यार एक ही जगह पे बहुत देर हो गई मेरे को अटके हुए। तो गाइस एक काम करते हैं, मैं पूरा मतलब जैसे कंप्लीट हो जाएगा ना वैसे ही मैं मतलब आने वाला हूँ, क्योंकि अभी मेरे को ऐसा फीलिंग क्यों आ रही है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और आप लोग देख सकते हो यार बहुत टाइम लगने वाला है गाइस सच्ची में। तो गाइस यहाँ पर फाइनली बहुत अरसे के बाद होने ही वाला था, और क्या बताऊँ यार, मतलब मैं गाइस पिछले आधे घंटे से ये ट्राई करे जा रहा हूँ, और तुम्हारा भाई यार अभी तक भाई ये कर ही नहीं पा रहा हूँ मैं, सच्ची बताऊँ यार मैं इरिटेट हो गया भाई। मैं देख रहो मतलब आधे घंटे से मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ, और जो रेस है वो कंप्लीट होने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं एक ही जगह पर आधे घंटे से अटका हुआ हूँ, और अभी हुआ भी था, मेरे को लगा था होने वाला है, पर नहीं हुआ यार अनफॉर्चुनेटली। एक बार दोबारा से ट्राई करते हैं, इस बार अगर यार क्या ही बोलूँ यार, ये गाड़ी इतनी ज़्यादा मनहूस है ना भाई, गुस्सा आ रही है मेरे को सच्ची बताओ तो। इतनी देर हो गई है भाई, आधा घंटा हो गया यार, इतनी देर में तो वीडियो बना के एडिट करके अपलोड भी कर दी हुई थी मैंने, एक ही जगह पर अटके पड़ा है, अटके पड़ा है भाई बार बार, घंटों हो गए इसको निकल ही नहीं रहा है यहाँ से। ये गाड़ी इतनी ज़्यादा खतरनाक है ना, क्या ही बताऊँ। अभी भाई यहाँ पे एक तो जो ऐसे लहरा जाती है ना सांप की तरह, क्या ही बोलूँ भाई, सांप भी इससे कम लहराता होगा, मतलब नागिन डांस कर देती है वहाँ पे। और उसकी भी गलती नहीं है बेचारी, गाड़ी के टायर देख रहे हो उस पर इतना ज़्यादा अत्याचार हो रहा है कि उसके टायर इतने ज़्यादा छोटे हैं, और इतना भारी भरकम उस पर इंसान बैठा दिया है। मेरे को लग रहा है बच्चों वाली गाड़ी पर भाई हाथी को बैठा दिया है। और ये देख रहे हो मतलब यहाँ पे यार मैं क्या बोलूँ गाइस, सच्ची में मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है भाई। काफ़ी देर हो गई मैं इसी जगह पे अटका हुआ हूँ, एक बार दोबारा से मैं बहुत देर लगा के कोशिश करता हूँ कि हो जाए आज ये कंप्लीट, तो मेरे को करनी है चाहे कुछ भी हो जाए। लेट्स सी कि इस बार हो पाती है नहीं, प्लीज़ हो जाना यार इस बार हो जाना। और गाइस फाइनली यहाँ पे हो चुकी है, कोई भी गड़बड़ नहीं चाहिए, कोई भी गड़बड़ नहीं चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं चाहिए तुम्हारे भाई को यहाँ पे। और वो चेक पॉइंट फेक चेक पॉइंट है, इसका भरोसा नहीं करना है हमें। और गाइस काफ़ी टाइम बाद मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है भाई, क्या ही बताऊँ। और प्लीज़ सेफ लैंडिंग, सेफ लैंडिंग।
क्या बताऊं भाई गाइस, भाई मजाक चल रहा है लिटरली। इतनी मुश्किल से मैंने कंप्लीट करी थी रेस, मतलब अगला चेक पॉइंट मेरे जस्ट आँखों के सामने ही था, मतलब मेरे मुंह के पास ही था, और मैं उसको भाई ले नहीं पाया, क्या ही बताऊँ। और इस गाड़ी पे मेरे को इतनी गुस्सा आ रही है, क्या बताऊँ यार। भाई ये ऑनलाइन रेसेस खेलना भी ना, मतलब पार्कोर रेस को कंप्लीट करना भी एक तरीके से हम बोल सकते हैं बहुत बड़ा ही चैलेंज है। कोई हलवा नहीं है भाई कि बना बनाया है, उठाया और खा लिया। इस हलवे को भाई पहले पकाना पड़ता है काफ़ी बढ़िया तरीके से, और टेस्ट अनुसार सारी चीज़ें डालनी पड़ती है, तब जाके रेडी होता है। और इस बार हो जाना। और ये यहाँ पे एक तो सांप की तरह लहरा जाती है, भाई क्या बोलूँ, मेरे को इतनी ज़्यादा गुस्सा आ रही है ना। पिछले 1 घंटे से मैं इसी जगह पे अटका पड़ा हूँ यार। भाई हो जाए यार प्लीज़, इस बार तो मैं पक्का करने वाला हूँ, इस बार मैं कोई गड़बड़ नहीं करने वाला हूँ गाइस, सच्ची में। और ये गड़बड़ मैंने नहीं करी है, इस बंदे ने करी है भाई, जानबूझ के। पता नहीं है गाड़ी मतलब सही नहीं चला रहा है यार, काफ़ी देर हो गई है, कसम से मन कर रहा है इसको बम से उड़ा दूँ, पर क्या करूँ यार। फिलहाल तो दोबारा से एक बार तुम्हारा भाई ट्रैक पे वापस आ चुका है, और ट्रैक पे आने से पहले ही अपना जो करियर है वो यहाँ पे ख़त्म है। एक बार दोबारा से ट्राई करूँगा मैं फुल रफ्तार के साथ में, और अगर इस बार नहीं हुआ तो मैं गेम ही भाई डिलीट करने वाला हूँ यहाँ पे। लेट्स गो, देखते हैं कि हो पाता है या नहीं। और भाई साहब इस बार भी नहीं हुआ यार, इतनी देर लगने वाली है मेरे को एक ही जगह पे। तो गाइस मैं इसको कंप्लीट करता हूँ तभी मैं आपसे मिलने वाला हूँ, मतलब तभी मैं आपको अपनी शक्ल दिखाने वाला हूँ, उससे पहले मैं आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं होगा। लेट्स सी, मतलब ये वाला एरिया की बात कर रहा हूँ, पूरी रेस कंप्लीट करने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखो भाई सांप की तरह लहरा जाती है, क्या बताओ यार। अभी देखते हैं कि मेरे को कितनी और देर लगने वाली है। तो गाइस यहाँ पे दोबारा से मैंने कर लिया है, और इस बार मैं कोई भी गड़बड़ नहीं चाहता हूँ, कोई गड़बड़ नहीं चाहता हूँ भाई, प्लीज़ इस बार हो जाना यार। क्योंकि गाइस इस समय मेरी ना भाई धड़कनें इतनी ज़्यादा तेज है, मैं क्या ही बताऊँ, मेरी हार्ट बीट भाई एकदम आसमान को छू रही है। और इस बार मैं पूरा भाई ऊपर से जंप मारने वाला हूँ, और इस बार तो हो जाना प्लीज़ प्लीज़। और फाइनली गाइस, मतलब एक अरसे के बाद भाई यहाँ पे लिटरली मेरे को अगला चेक पॉइंट मिलने वाला है। मतलब वो जगह इतनी ज़्यादा मनहूस थी भाई, क्या बताओ भाई, उस जगह ने मेरा जो दिमाग की दही करी है ना। एक तो ऊपर से गर्मी इतनी हो रही है भाई, पंखा बंद करके मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और फाइनली चलो भाई अपनी, अच्छा आगे फिनिश लाइन है यार, मेरे को लगा था कि अपन को गाड़ी चेंज करने का मौका मिला है, पर जी नहीं गाइस, जो अपनी रेस है वह यहाँ पे ख़त्म ही होने वाली है ऑलमोस्ट। और ये फिनिश ओ, तो गाइस यहाँ पे फाइनली जो अपनी रेस है वो तुम्हारे भाई ने कंप्लीट कर लिया है। और हाँ, बाकी आप लोग मेरे को कमेंट में ज़रूर से बताना कि क्या आप लोगों को आगे भी ऐसी और बढ़िया बढ़िया जो रेसेस है वो देखनी है। और बाकी मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।